नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे। देखिए किस तरीके से आज कुमारी अनीता जो है वो नामांकन अपना करवाई है। तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे। अनीता जी, ये बताइए कि आज नामांकन आपने करवाया, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत अच्छा रहा उनका सहयोग। वो लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव भाई, सभी ने हमें बहुत आशीर्वाद तो पहले ही दे दिए थे टिकट देके, और जनता जनार्दन ने जो इतनी भारी मत से हमें आशीर्वाद दिए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं नज़ारा। बस अब मेरी जिम्मेदारी बनती है इनके हर सुख दुख में, इनकी हर जरूरतों को पूरा करना और साथ निभाना। अनीता जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? नामांकन आज आपका हो गया, तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुँचे थे, बीजेपी के ऊपर खूब बरसे हैं। निश्चित रूप से विकास, और तेजस्वी यादव जी ने सारी बातें कही दी, रोजगार से लेकर युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, और सभी भाई बहनों जो हमारे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सभी वासियों हैं उनको, और गांव के वासियों, ग्रामीणों को जितनी दिक्कतें हो रही हैं, इवन मूलभूत सुविधाएं तक भी उपलब्ध नहीं हुई है अभी तक उनको, तो वो सारी सुविधाएं चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को मैं बहुत वेलकम करती हूं और बहुत एक्सेप्ट किया है दोनों हाथों से, और मैं पूरी जिम्मेदारी से इसको निभाने की मेरी पूरी कोशिश होगी। मौजूदा सांसद ललन सिंह इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, किस तरीके से मुकाबला देखते हैं, कैसा होगा मुकाबला? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है, मुझे अपने काम पर फोकस है और मुझे हर तरह से पूरा समर्थन मिल चुका है। हर जाति, धर्म और समुदाय से मुझे 100% समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मैं अपने आप को खड़ी रखूँ और उनके सुख दुख में अपने आप को शामिल पाऊँ। 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है कि एक तरफ जहाँ ललन सिंह पहले से यहाँ से सांसद हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जो अब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कैसा रहेगा, जनता किसके साथ रहेगी? जनता, आप तो आज का हुजूम देख ही लिए कि जनता किसके साथ रहेगी। उस दिन जब आके चले जाएंगे तब आप ये बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। एक मैसेज जो मुंगेर की जनता को आप देना चाहें वो क्या दीजिएगा? जनता को मैं मैसेज, देखो जनता तो इतनी खुशहाल है, आज हमें बहुत कृतार्थ कर दिया उन्होंने सभी ने इस चिलचिलाती धूप में अपना आशीर्वाद देकर, और जो नहीं आ पाए, किसी न किसी कारणवश से नहीं आ पाए, वो भी मुझे दूर से ही बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद पहले भी मिल चुका। अब मैं इनको बस यही अपील करती हूँ कि लालटेन छाप पर वोट करके भारी से भारी मतों से हमें विजयी दिलाएंगे, और ये वोट अपना ज़रूर करें, एक एक वोट बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है, इसीलिए वोट जरूर करें। चलिए, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से आज मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से कुमारी अनीता ने राजद की तरफ से अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया है। तेजस्वी यादव भी जनता को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि लगातार जो मोदी सरकार है वो सिर्फ वादे करती है, वादा पूरा करके नहीं दिखाती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर भी उन्होंने सुनाया कि किस तरीके से 17 महीने में उन्होंने जो कामकाज करके दिखाया है वो बिहार में पिछले 17 साल में भी कामकाज नहीं हो सका। और कुमारी अनीता ने मुंगेर की जनता को साफ मैसेज दिया है कि अपना जो वोट है वो जरूर करें, और जो विश्वास है वो तेजस्वी यादव के ऊपर विश्वास बनाकर रखें, आने वाले समय में जो कामकाज होगा, जो वादे उन्होंने किए हैं वो वादे पूरे करके दिखाएंगे। मुंगेर लोकसभा से साकेत कुमार, नवभारत टाइम्स के साथ।